हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप केंद्रीय विद्यालय का फीस ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान स्टेप को फॉलो करते हुए। गाइज, आपको यूनियन बैंक के ऑनलाइन केवी फी पेमेंट पोर्टल पे फी पेमेंट के लिए जाना होगा। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नेक्स्ट गाइज, आपको स्टूडेंट यूनिक आईडी को फिल करना होगा, यानी कि आपके बच्चे के स्कूल का स्टूडेंट यूनिक आईडी को आपको इसमें फिल करना होगा। नेक्स्ट गाइज, आपको डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा, यानी कि जन्म तारीख को। गाइज, इसमें आपको सबसे पहले अपने बच्चे के जन्म के साल को फिल करना है। नेक्स्ट गाइज, आपको साल फिल करने के बाद जन्म के मंथ को सिलेक्ट करना है। गाइज, फिर उसके बाद आपको जन्म की तारीख को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट गाइज, आपको जैसा कैप्चा लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम कैप्चा को फिलअप कर देना है। नेक्स्ट गाइज, आपको लॉगिन के ऊपर सेलेक्ट करना है, उसको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट गाइज, जैसे ही आप लॉगिन को क्लिक करते हैं तब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज, यहां पे आपको आपके बच्चे का नाम दिखाई देगा, उसका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा और क्लास दिखाई देगा। आपको सब डिटेल को वेरीफाई करते हुए मेक पेमेंट के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट गाइज, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज, यहां पे आपने अपने बच्चे के डिटेल्स को चेक कर लेना है, उसको वेरीफाई कर देना है। इसमें आपके बच्चे का कितना फी जमा होगा इसके बारे में बताया जाएगा कि इसमें 3 महीने का 1 क्वार्टर का कितना फीस आपको डिपॉजिट करना है उसका जानकारी होगा। गाइज, इसमें आपने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिल करना है, उसको भर देना है और अपने ईमेल आईडी को इसमें फिल कर देना है, भर देना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको मेक ए पेमेंट के ऊपर सेलेक्ट करना होगा। गाइज, जैसे ही आप मेक ए पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे तब आपको बैंक के इंटरफेस के ऊपर ले जाया जाएगा। गाइज, आपने मेक ए पेमेंट को सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट गाइज, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। गाइज, यहां से आप अलग अलग पेमेंट मोड से पेमेंट कर सकते हो। गाइज, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन गाइज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के ऊपर कुछ आपको चार्जेस लगेगा। नेक्स्ट गाइज, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, QR कोड और UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। गाइज, हम यहां पे डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइज, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज, आपको यहां पे पेमेंट करने से पहले कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड होल्डर का नाम इसमें फिल करते हुए मेक पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट गाइज, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज, इसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट, यानी कि आपके बच्चे का कितना फी जमा हो रहा है और उसके अलावा कितना अदर चार्जेस लग रहा है। गाइज, इसको वेरीफाई करते हुए आपने प्रोसीड विद पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट गाइज, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज, यहां पे आपने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आए हुए OTP को यहां पे फिल कर देना है और मेक पेमेंट के ऊपर आपने पेमेंट करने के लिए क्लिक कर देना है। नेक्स्ट गाइज, पेमेंट होने के बाद आपको यूनियन बैंक फी पेमेंट स्टेटस के ऊपर ले जाया जाएगा। गाइज, यहां पे आप स्टेटस में जाके सक्सेसफुल को वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि अगर सक्सेसफुल आया हुआ है तब आपके बच्चे का स्कूल का पेमेंट हो गया है। नेक्स्ट गाइज, आप सक्सेसफुल यानी कि पेमेंट होने के बाद पेमेंट के रिसीप्ट को यहां से प्रिंट कर सकते हो। गाइज, आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। गाइज, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो या फिर यहां से आप उसको डायरेक्ट राइट टॉप बुक के ऊपर क्लिक करके शेयर कर सकते हो, उसको व्हाट्सएप के ऊपर या फिर आप डायरेक्ट मेल के ऊपर शेयर कर सकते हो। गाइज, इस प्रकार से आप बहुत ही आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने बच्चे का ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। गाइज, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि आपको केवी का ऑनलाइन फीस पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। गाइज, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, अगर आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है तब हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। गाइज, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी ऑनलाइन फी पेमेंट के स्टेप्स का पता लग सके। गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें अभी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक करिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।